वेलकम दोस्तों, आप सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत करते हैं मेरे चैनल लायन टेक पर। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू पहले एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी दबा दीजिए, क्योंकि मैंने जैसे ही वीडियो डालूंगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों आज कुछ ऑफर के बारे में बताऊंगा, जैसे आपको देखकर कुछ ना कुछ फायदा होंगे ही होंगे, तो वीडियो अंत तक देखते रहना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने पेटीएम ऑफर के तरह स्टार्ट करता हूँ। पेटीएम ने एक एड मनी कोड लॉन्च किया है, और पेटीएम के पेटीएम पर 5000 रुपीज ऐड करोगे UPI के माध्यम तो आपको 50 रुपीज कैशबैक मिलेगा। ये अकाउंट पे सिर्फ प्रोमो कोड है, बट मोस्टली अकाउंट पर काम कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, पेटीएम ऐप को ओपन करना है। पेटीएम ऐप को ओपन करने के बाद आप देख सकते हो कि ऐड मनी, तो आपके ऐड मनी में क्लिक कीजिए। तो ऐड मनी पर क्लिक करने के बाद आपको UPI प्रोमो कोड 5000 लिख दीजिए। 5000 लिखने के बाद आपको हैबी प्रोमो कोड पर UPI50 लिखना है। तो UPI50 प्रोमो कोड अगर आपके अकाउंट पर अप्लाइड हो जाएगा तो आपका अकाउंट एलिजिबल है, और आपके अकाउंट पर एलिजिबल नहीं अगर प्रोमो कोड नहीं लगेगा तो आपका अकाउंट एलिजिबल नहीं है। तो अगर आपके पास 2-3 अकाउंट है, तो अगर एक में वर्क नहीं किया तो दूसरे अकाउंट से कर लेना। दो अकाउंट से तो एक में लग ही जाएगा, क्योंकि ये सब अकाउंट पर काम कर रहा है प्रोमो कोड। तो आपको क्या करना है, UPI50 लिखना है, फिर आपको ऐड मनी करना है। ऐड मनी करने के बाद आपको UPI पेमेंट मोड सिलेक्ट करना है। UPI पर जैसे सिलेक्ट करोगे ना, तो आपको UPI हैंडल पर पेटीएम UPI हैंडल डालना है। अगर आप दूसरे कोई UPI हैंडल डालोगे, जैसे फ़ोनपे या गूगल पे यूज़ करोगे, तो आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। आपको रिक्वेस्ट पेटीएम UPI हैंडल पर ही भेजना है। तो आपको क्या करना है, पेटीएम UPI पर रिक्वेस्ट भेज दीजिए, आप पेमेंट के अप्रूव कर दीजिए, तो आपको तुरंत पेटीएम पर 5000 रुपीज़ लोड भी हो जाएगा, एंड 50 रुपीज़ कैशबैक भी आ जाएगा। आप देख सकते हो कि मेरा भी 50 रुपीज़ कैशबैक आ गया। ये था पेटीएम का ऑफर, अकाउंट पे सिर्फ एक प्रोमो कोड है। तो अगर आपके अकाउंट पर ये प्रोमो कोड काम किया तो जरूर कमेंट में बता देना, और काम नहीं किया तो भी कमेंट पर बता देना, ठीक है। दूसरा ऑफर आ रहा है ड्रीम इलेवन पर। ड्रीम इलेवन पर पेपल के माध्यम एक ऑफर लॉन्च किया, शानदार ऑफर। अगर आप ड्रीम इलेवन पर पेपल को जो लोड करोगे 250 रुपीज़, तो आपको तुरंत 250 रुपीज़ कैशबैक आपको पेपल में मिल जाएगा। ये ऑल पेपल यूज़र के लिए है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ड्रीम इलेवन पर अकाउंट ऑलरेडी है तो लॉग इन कर लेना, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो रजिस्टर कर लेना, ठीक है। तो आपको रजिस्टर करने के बाद आपको क्या करना है, माई बैलेंस पर जाना है। माई बैलेंस पर आपको 250 लिख दीजिए, मैंने लोड करने आपको 250 रुपीज़। आपको क्या करना है, आपको लोड कीजिए। लोड करने के बाद आपको पेमेंट मोड पर वॉलेट सेलेक्ट करना है। वॉलेट सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो कि पेपल सेलेक्ट करना है। तो आपके अगर आपके पास पेपल अकाउंट है तो लॉग इन कर लेना, अगर आपके पास पेपल अकाउंट नहीं है तो रजिस्टर कर लेना। एक बार ध्यान रखना, आपको पेमेंट फिजिकल कार्ड के माध्यम करना है। अगर आप कोई भी वर्चुअल कार्ड यूज़ करोगे तो आपको कैशबैक नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको फिजिकल कार्ड भी यूज़ करना है। फिजिकल कार्ड का मतलब जो भी मास्टर कार्ड एंड वीसा कार्ड है वो कार्ड यूज़ कर लेना, ठीक है। तो आपको पेमेंट जैसे ही कर दोगे आपका तुरंत 250 रुपीज़ ड्रीम इलेवन पर लोड हो जाएगा, एंड तुरंत 250 रुपीज़ कैशबैक पेपल पर आ जाएगा। तो अगर आप पेपल पर आ गया कैशबैक, वो उसको आप कैसे रिडीम करो मैं बता देता हूँ। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है, जैसे पैसा वापस है एंड जिंजो है। आप पैसा वापस के माध्यम पेपल के माध्यम और जो कैसे मिला 250 रुपीज़ का, उसमें से आप पेटीएम के गिफ्ट वाउचर खरीद लेना या अमेजन गिफ्ट वाउचर खरीद लेना। एंड जिंजो भी ऐसा वेबसाइट है, हम वहाँ जाकर भी आप पेपल के कैशबैक के माध्यम अमेजन एंड पेटीएम का गिफ्ट वाउचर खरीद सकते हो। बट आप सोच रहे हो, आप तो 250 रुपीज़ ड्रीम इलेवन पर लोड कर लिए, अगर आपके पास ड्रीम इलेवन के बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो आपको जो ड्रीम इलेवन पर ऐसा लूट कर आपको क्या फ़ायदा है, मैं बता देता हूँ बैंक ट्रांसफर ट्रिक्स, ठीक है। तो इसके लिए आपका दोनों ड्रीम इलेवन अकाउंट होना जरूरी है, एक मेन ड्रीम इलेवन अकाउंट, दूसरा नंबर है फेक बना लेना, ठीक है, रैंडम। तो आपको क्या करना है, आपको जो मेन है ना, वो मेन से आपको जो भी आपका एक मैच है तो आपके एक मैच पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देख सकते हो कि क्रिएट कॉन्टेस्ट, तो आपको क्या करना है, क्रिएट कॉन्टेस्ट सेलेक्ट करना है। क्रिएट कॉन्टेस्ट पर आपको दोनों ड्रीम इलेवन पर, जो मेन ड्रीम इलेवन में एंड जो सेकेंडरी ड्रीम इलेवन है, जो फेक बनाया, फिर आपको क्या करना है, दोनों अमाउंट पर सेम अमाउंट लोड कर लेना पेपल के माध्यम, ठीक है। इसमें इधर सोचो, अगर आप इसमें भी 1000 ऐड कर लिए एंड सेकेंडरी ड्रीम इलेवन पर भी 1000 ऐड कर लिया, तो आपको क्या करना है, विनिंग अमाउंट पर 1700 डाल देना, कॉन्टेस्ट साइज पर 2 डाल देना। फिर आप जैसे क्रिएट कॉन्टेस्ट कर दोगे, आपके पास एक इनवाइट कोड आ जाएगा। इनवाइट कोड को आपको कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, दोनों अकाउंट से आपको क्या करना है, जो भी आपका मैसेज क्लिक कीजिए, आपको क्या करना है, आपका मैसेज पर क्लिक करने के बाद देख सकते हो कि एंटर इन कॉन्टेस्ट इनवाइट कोड। एंटर इनवाइट कॉन्टेस्ट को जैसे ही कर दोगे, आपके पास जो कॉन्टेस्ट जो क्रिएट किया ना वो शो होगा। फिर आपको क्या करना है, जो NTP है ना, NTP देकर आपको दोनों ही अकाउंट से आप क्या करना है, कॉन्टेस्ट पर आप जुड़ मैंने कॉन्टेस्ट पर आप पार्टिसिपेट कर लो। ध्यान रखना, आपको जो मेन ड्रीम इलेवन पर उसके पास सॉलिड टीम बनाओ,
जो विनिंग है ज्यादा चांस है, और सेकेंडरी अमाउंट पर थोड़ा लूसिंग टीम बनाना, दोनों अकाउंट से एक विनिंग होगा होगा ठीक है, तो दोनों से एक सॉलिड टीम बना लेना जो आपको मेन टीम बना लेना, और दूसरे वाले पर थोड़ा लूसिंग टीम बना लेना। फिर आप जैसे ही मैच खत्म हो जाएगा, आप जिसने सॉलिड टीम बनाया उसमें आपको विनिंग अमाउंट मिल जाएगा, फिर आपको विनिंग अमाउंट पर आप इजिली बैंक ट्रांसफर कर सकते हो, कर लेना। यही था आज का वीडियो, और वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कर देना, हो सकता है तो शेयर भी कर देना ठीक है। आज का वीडियो यही तक है, जय हिंद वंदे मातरम। और कुछ भी ये वीडियो के बारे में अगर कुछ भी आपको इश्यू है तो कमेंट कर देना, मैं इसको कोशिश करूँगा आपको हेल्प करना।